Good morning to all. Let me remind you what we have studied in the previous class. We have discussed on some numerics basing on some formula like Lensmaker formula, thin lens formula, then combination of lenses, then power of the lens. And today we will discuss on the refraction through prism. Actually, in prism, there is a property of light that occurs in prism that is called dispersion of light. Dispersion of light, that means the splitting of the light, white color of light, into its constituent colors. Again, prism रूप में तो थोड़ा refraction कथा पढ़ूँ जो, तो ऐसे जगह रे तो मैं prism का ले first तो तुम्हें मन रखो जो जिंदगी की तुमको दुईटा डिफ्रैक्टिंग सरफेस दरकार दुटा डिफ्रैक्टिंग सरफेस से सरफेस दुजन दुजन को इनक्लाइंड होकर रहा दरकार अच्छे तो गोटे सरफेस लाइट आसिक इनसीडेट है आउ गए सरफेस लाइट एमर्ज हे तो प्रिजिम जो तुम प्रिजिम नौ आम बेसिकली यूज करल प्रिजिम को जारी एंगल अफ प्रिजिम निजे 60 डिग्री करके तो ताकि आज आम न्यूमेरिक्स के देखा बट ता पूर्व फास्ट जाणीजा जे प्रिजिम रिलेटेड सब कि फर्मूला अच्छे तो प्रिजिम फास्ट टे देखीदम तुम रिफ्रैक्शन पार्टा के एंड कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आई डी कर्व ये सब जिन इम्पोर्टेंट टे बाबद थ्योरी पढ़ दे रिलेटेड जहाँ भी फर्मूला अच्छे ताकि यूज करूमेरिक्स भी वर्कआउट कर कंपलसरी दुटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहा दरकार अच्छे एंड दुटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोथ बोथ दिज अफ टू दैट दैट आर इनक्लाइंड एट एंगल ऑफ ए नाउ इफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑफर्स लाइट Splitting of light that occurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, 7 white light contains 7 color of wavelengths. And this is red color. And this is violet color. Violet color. And in between these other colors are present here. So, our refraction hella time is no doubt the refraction hoche prism put a refracting medium be, but refraction jo hoche white light jo thoda strike koruche se sabta constituent color re divide hoye jo region niya hoche B I B G Y O R तो सबसे कंस्टिट्यूएंट कलर रे डिवाइड हवा तक ही हमें ना दो जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट या मीनिंग अच्छे जे ये कहाँ जे इतनी सातटा कलर डिवाइड है सेटा भी पुणी डिफरेंट डिफरेंट एंगल या समथिंग किसी मीनिंग अच्छे जेटा नेक्स्ट कही कही जी तो प्रिजिंग रे डिस्पर्सन हिसे कही जान नेक्स्ट प्रिजिंग लगे तुमको गोटे फर्मूला कहित प्रिजिंग जे डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई फर्मूला तुम मन रख ये फर्मूला तुम डेल्टा नौ जो कहना एंगल ऑफ डेविएशन ए हला एंगल ऑफ प्रिज्म दिस एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस ये मुझे सातटा कलर ऑफ लाइट के शो कर इमाजिन कली गोटे कलर ऑफ लाइट को लाइट दिस सिचुएशन जो एमती आसला जगह फास्ट
effective surface ray, angle of incidence paucho, incident ray strike kala, angle time angle of incidence koi gino chum. Second refracting surface ray, second refraction kala, second pointer refraction kala, second pointer koi normal draw karbi, second refracted ray bahari kala, ase rada ma hai, se angle draw ma angle of emergence koi gino chum. Ye hala angle of fraging. And e incident ray and refracted ray को मुझे तो forward direction में बढ़ ही देती हूँ like this incident ray को forward direction है and refracted ray को backward direction में बढ़ ही देती हूँ ये दोनों का भीतर के ची deviated angle पावर जो देखा बोल से देखो incident ray को forward direction पे and emergent ray को backward direction में नहीं की meet करेगी दूसरा ray के meet करेगी दूसरे point ray and सुनो देखिए angle create हो जाए and that angle is known as angle of deviation. तो ये चार्जर को नहीं कि उटा फॉर्मूला पाओ जो जेंडा तुम्हें मन रखो। Next, उटा प्रिजिंग फॉर्मूला बाहर आई थी ना? प्रिजिंग फॉर्मूला था ना? प्रिजिंग एक्चुअल तो प्रिजिंग फॉर्मूला is the refractive index of the material of the prism. तो तुम्हें प्रिजिंग टा जो मटेरियल है नहीं कि बना है जैसे मटेरियल का refractive index बाहर करवा लेंगे सब फॉर्मूला का हमें यूज कर चुके तो अगर हम सब दूसरा का केस है आइदर हम सिंगल रे को कंसीडर करके हो मल्टीपल रेज को कंसीडर करके हो ऑल कलर ऑफ लाइट को यूज करके हो कि सिंगल कलर ऑफ लाइट को यूज करके हो तो दूसरा का केस है मैं एमर्जेंट रे को टुवर्ड्स बेस बेंड करे यार भी किसी मीनिंग अच्छे मीनिंग हला ना सो प्रिज्म जे तो एयर मीडियम रहे एंड प्रिज्म नाम है जनरली ग्लास मटेरियल को हो छु then air medium is refractive index of air medium is less than that of glass medium right तो ये denser medium है गला ये rarer medium है गला यदि ये denser ये rarer ये denser ये पूरी rarer तो ये तमर ray of light है towards तमर base bent है situation reverse अगर कितना बड़ा ये तो बड़े कि ये denser है जीवा ये rarer है जीवा तो हमें ये ray जिनका कि towards base bent हो जाए that will bend away from the base ये माना रहा but हम general case में जिनका कि हम practically use कुछ prism इवन हमारे experiment भी हो चाहिए refractive index of the material of prism बाहर करवाना तब हमें air medium पे पहुंचो तो in general में हमें पहुंचोगा ना this case पहुंचो all that ray emergent ray that is bending towards the base ये case का error हो चुका ये कितने बड़े हैं वाह रिवर्स केस्ट का कितने बड़े हैं बस तो बड़े कि हमने ये मीडियम टाको दिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाको ग्रेटर करके हैं जो सेम केस में आवे फ्रॉम द बेसिस पर मान रहे ना नेक्स्ट तो हमें ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ताले ही फॉर्मूला कहाँ पहुँचो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एन बाय टू by sin a by 2 and this formula is known as prism formula this one is an important formula here this can also be written as like ar2 plus or simply this is mu g mu g that is the refractive index of the material of the prism that is equal to sin a plus del m by 2 by sin a by 2 ये formula को anyhow मने रखो तो ये formula del देखो del टा को del m है जी इसे अगर del m टा हला कहाँ a तो कमें जानी चो a हला angle of prism del m टा हला तो हमार angle of minimum deviation this condition या this formula टा applicable होगा कितना बड़े कितना बड़े हमें एंगल ऑफ डेविएशन ना को ओनली मिनिमम कंडीशन है ना तो मिनिमम कंडीशन का एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिनिमम होगा तो कंडीशन अच्छा दूसरा कंडीशन अच्छा कितना बड़ा जितना बड़े कि तमार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंसी जी हां से कैसे एंड आर1 इज इक्वल टू आर2 डी का आर1 आर2 का हम कहेंगे बट फिलहाल लगे तो देखो इटा का ना जाने गलो दुटा कंडीशन I एंगल ऑफ इंसिडेंस E एंगल ऑफ इमर्जेंस दिस टू आर इक्वल एंड दिस इज आल्सो
इक्वल। तो यार यदि ये जानते कि तुम्हें इक्वेशन वाइज जानो कि नहीं दिस वुड बी इक्वल कहीं लेकिन यार किसी सेंटेंस वाइज मीनिंग अच्छे से मीनिंग का हला कहना जे आई इज इक्वल टू ई कितने बड़े हम जिते बड़े कि तुम रे ऑफ लाइट जिनका स्ट्राइक हो या इंसिडेंट हो एंड रे ऑफ लाइट जिनका कि बैंड हो आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर इमर्जेंस ये दुईटा तुम सिमेट्रिक हो कि रहिबे एंड भितर जेन रेटा पास करवा दैट इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म हवा दरकार अच्छे सिमेट्रिक र मीनिंग हला इ केस रे आई दिस इज इक्वल टू इ केस रे ई से केस रे ही अमर मिनिमम आइगला डेविएशन बाहर करा जाउ छे राइट बहुत बड़े केस पाए मो ईच एंड एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस लगी एंगल ऑफ इमर्जन एंगल ऑफ इमर्जेंस किसी ना किसी पाए गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस लगी एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल अमाउंट पाए एंड से कंडीशन रे तुम डेविएशन टा सब लिस्ट और सब मिनिमम तो से कंडीशन टाक आम ना दौ आम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंडीशन ही नाम दिया हो तो ये जगह आर वन एंड आर टू दुटा मेंशन कर आर वन और आर टू कहा के हमें नमा तो प्रिज्म में देखो ये जदि आई हला फास्ट रिफ्रैक्शन टाक दिस अमाउंट रे हला दिस रे रे हला तले ई पोर्शन टाक या ई एंगल टाक हमें नेमिंग कर कला आर वन की नेमिंग करना राइट then e refracted ray from the first surface that will behave as incident ray for the second surface the second surface lage jodi se gode incident ray type of kaam kala tale angle of incidence pai mai jaga re e angle of incidence ta ko name koruche r2 kahiki hala na ta r2 kahiki ni jodi be ni uta hala angle of incidence to e dui angle saman hoba darkar che right I should be equals to E and R1 should be equals to R2. E condition में ही तुम्हें minimum angle of deviation पाइबो, right? ID curve बोटे important term बोटे हो चें. ID curve that is the curve between angle of incidence and angle of deviation. Taking angle of incidence along x-axis and angle of deviation along y-axis. तो ये दुईटा को नहीं कि तुम्हें ग्राफ प्लॉट कर दो ग्राफ रे जेन शेप टा आसवा तक है ना आईडी कर्व की नाम दे छु जेंटा कि तुम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी हो छ तुम प्रैक्टिकल भी करबो से ग्राफ से टाइप रो यू शेप रो आसवा लाइक दिस मन पता हो मन को थ्योरी पढ़ा रे टाइम भी पढ़ा छ पर मन लाइन का कंसिस्टेंस इन मन लाइन का डेविएशन डेल लेलो ग्राफ का लिखा दी क्लास एंड सब मिनिमम और सब लिस्ट से पॉइंट को हमें नोटेट करना था ना डेल एन का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को ही नोटेट करना एंड फॉर दिस केस से केस में आई रो वैल्यू इज इक्वल टू ई रो वैल्यू ही जीवा हला ये उटे 3 मार्क्स रो तुम थ्योरी आसुचे 2 या 3 मार्क्स रो थ्योरी आसुचे तो तुम ताको डेफिनेशन लिखो ग्राफ प्लॉट करबो एंड मेंशन करबो केन सिचुएशन में केन टास्क जिक एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को कंडीशन को यूज करके राइट नेक्स्ट इतकी सॉरी गना ये दुटा फार्मूला को नहीं हमें किसे न्यूमेरिक्स करो तार पर बते भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट केति की हो छ एटा ड्यू टू जेतु डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मींस डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ कहले डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ रो लाइट लगे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द प्रिज्म और मटेरियल ऑफ सम किसी भी जब रिफ्रैक्टिव मीडियम ना लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट पाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट पाउच तो तुम एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाए तो सही चेंज होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल रे डेविएशन हला किए लिस्ट डेविएशन हले किए मिन किए मैक्सिमम डेविएशन हो जाए से कंडीशन लगे तुम रेड कलर ऑफ लाइट टा बते भी कितनी ना से लिस्ट डेविएशन हो जी एंड वायलेट वायलेट कलर ऑफ लाइट टा कितनी मैक्सिमम डेविएशन हो जी सेटा आर्टिकल बते फिलहाल लगे हमें ये दुटा को फार्मूला को यूज करके किसी न्यूमेरिक्स टा
Let's start with the first numerics, that is a ray of light that passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. If the angle of emergence is 3 by 4 times that of the prism, then find out the refractive index of the prism. Question dekho bolsa pano refractive index of the prism jodi kahi dije tahale am pakre ota formula royeche se formula ta hala direct se formula ami use korte parbo jodi tiki kichi data unknown ache mu is equal to sin a plus del n by 2 ketike tara book re dekhi thoba del n jagare d n nei thauchi kichi osubidha nai mane nei parbo sin a by 2 to check karo ei jagare a given ache question ta फर्मुला समस्त थ्योरी बोलते देखो ये बाहर लगे कि डेरिवेशन अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म दैट इज अ लॉ क्वेश्चन फॉर यू ई दे आर डेरिवेशन ओनली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है सी इंक्लूडिंग द आईडी कर्व तो ई पार्ट ऑफ डेरिवेशन तुम बोलते देखो इवन न्यूमेरिक्स भी इजी अच्छे तो ई गुटे फार्मूला को लेके इजी इजी न्यूमेरिक्स से ताकि जाने करबो 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन आसी आउ छे तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई For minimum angle of deviation condition, I is equal to E, and let us write del is equal to del n. Substitute karo del n plus A is equal to I E equals to E. जितने लिखे थे भी I वाले में E लिखी हुई है. मान लो इन्हें two E by भी, right? एकदम दे दीजिएगा ना angle of emergence. Area of light that passes through a equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. So, again, the condition they give is I is equal to angle of incidence is equal to angle of emergence. If the emergence is 3 by 4 times that of the angle of prism, which I did say angle of prism is equal to the angle of prism. तो ये ले दीजिए i इज इक्वल टू ले लीजिए ऑलरेडी गिवन है जो दे भी नहीं थे पहले ये लॉजिक अप्लाई करते ना एंड e इज इक्वल टू दे दीजिए 3 बाय 4 टाइम्स दैट ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म सब्स्टिट्यूट करो डेल n प्लस a इज इक्वल टू 2 इनटू 3 बाय 4 a एंड डेल n का वैल्यू का बाहर कर दियो कितना आसना del n is equal to particular 3 by 2 a minus a means a by 2 was it del n is equal to a by 2 a no value given ache then del n is equal to 60 degree by 2 result is 30 degree del n bhi pai gala a bhi tamar de diya hai je simply hame se formula re substitute karna sin a ro value 60 degree del n ro value 30 degree and bahar karchu baki data tumko substitute karo and result bahar karo main direct likhi thi 30 degree 60 by 2 par ki 30 karbo upar result pada che sin 45 degree by sin 30 degree calculation karo 1 by 2 by 1 by 2 calculation karo dekho prayas ka refractive index of the material of prism that is equals to root 2 check karo asla ki nahi root 2 over to second question ame dekho question da lechi glass prism has a minimum angle of deviation as 40 degree and angle of prism is 60 degree If the prism is placed in water of refractive index 1.33, then find out the new minimum angle of deviation. Question के जो तो simple word रहेगा है भी,
ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରିଜିମ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମରେ ନେଉଛୁ ତାହେଲେ ନେଇ ବୋଲିକି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମେଟାଲ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ମ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲେନ୍ ବାଇ ଟୁ ବାଇ ସାଇନ୍ ଏ ବାଇ ଟୁ ବାହାରୁଛେ। ବଟ୍ ଏଇନା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଜାଗାରେ ମିନିମମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ 40 degrees ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଜିମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲା ଲେଟ୍ସ କନ୍ସିଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରିଜିମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଏ ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 1.33। ତ ଏବେ ଯେନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମିନିମମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେହି ମିନିମମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ୟା ନ୍ୟୁ ମିନିମମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍କୁ ବାହାର କର କି କହିଛି ସେହି ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ହେବ। ବଟ୍ ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟା ନଥିଲ ନ୍ୟୁ ଏ ଜି ଏ ଜାଗାରେ ନେବା ନ୍ୟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ଜି ବାହାର କର। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଡାଟାକୁ ଆଗ ଲେଖିନେବା ଡିଭିଏନ୍ ଦେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମ ନ୍ୟୁ ଏ ଜି ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଟା ଦେଇଛି ଆଗ ଆଣିଥିଲ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେଇଦେଲା ଇଏ ଏୟାର ଲାଗି ଦେଇଦେଲା ଇଏ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଉଛି ଏୟାର ଏୟାର ଲାଗି ଦେଇଦେଲା 40 degrees ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଦେଇଛି 60 degrees। ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ତ ମୋର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର କହିଦେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.33। ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ଆମକୁ କହିନି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ନେଉଛ ଏମିତି ନେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବା ଲାଗି କହିଛି ମିନିମମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏୟାର ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପାଉଥିଲ 40 degrees ଏବେ ପୁଣି ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବାହାର କରିବି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରୁଛି ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏୟାର ଲାଗି କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ଫର୍ମୁଲା ଆମ ନ୍ୟୁ ଏ ଜି ପ୍ରିଜିମ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେବା ନାହିଁ ଯେ ନ୍ୟୁ ଏ ଜି ନେଇଗଲି ଆମେ ୟୁ ଏ ପି ବି ନେଇପାରୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲେନ୍ ବାଇ ଟୁ ମାଇ ସାଇନ୍ ଏ ବାଇ ଟୁ ଡେଲ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କର ଡେଲ୍ ଜାଗାରେ 40 ଏ ଜାଗାରେ 60 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ ଇଏ 60 degrees ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 40 degrees ବାଇ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ବାଇ ଟୁ ଏ ରହିଲେ 60 degrees ବାଇ ଟୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବା 1.532। ମେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଇଏ ହେଲା ସାଇନ୍ 60 + 40/2 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ସାଇନ୍ 100/2 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସାଇନ୍ 50। ସାଇନ୍ 50ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଗାରେ 11 ନାଇଁ ନ ବଟ୍ ଇଏ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫର୍ମାଟ୍ ବତାଉଛି ଯଦି ଯେନ୍ ଯାହା ବି ସାଇନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁମକୁ ଆଇଦର ସାଇନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସାଇନ୍ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ତ ଫିଲହାଲ ଲାଗି ଇଏ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଖାଲି ଜାଣ ଯେ କେମିତି ହେଉଛେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଡାଟା ମାନ ସବୁ ଗିଭେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସାଇନ୍ 50ର ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଥିବ। ତ ଆମର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ କେତେ ପଳେଇ ଆସିଲା 1.532 ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛେ କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲାଗି ବାହାର କରିବା ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲାଗି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଟିକେ କେମିତିକି ଲାଗିବ ଏୟାର ଜାଗାରେ ୱାଟର ଅଛେ ୱାଟର ନେଲି ପ୍ରିଜିମ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଅଛେ ପ୍ରିଜିମ୍ ନେଲି ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲେନ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ର ତ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବଟ୍ ତମର ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ୱାଟର ଲାଗି ନେଇଛେ ୱାଟର ଲାଗି ଯାକୁ ନୋଟେଡ଼ କରୁଛେ ଡେଲେନ୍ ଡେସ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ଏ ରାଇଟ୍। ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ପି ଅର୍ ମ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁ ଟୁ ବାଇ ମ୍ୟୁ ୱାନ୍। ତ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବି ମ୍ୟୁ ପି ବାଇ ମ୍ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ରାଇଟ୍ ସାଇନ୍ ଏ ଦେଇଦେଲା 60 ଡେଲେନ୍ ଡେସ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇନ୍ 30
that is the refractive index of the material of prism. This is this one is this. Ame taku mu ap bhi likhi paro or simply mu p bhi likhi paro or simply mu bhi likhi paro. To mu p ama recent ta ame bahar korcho 1.532. Refractive index of water de diche 1.33. Calculation karo aur result bahar karo. In bahari jiba sin del m dash अगर नहीं आपको साइन इन्वर्स करेंगे ना तो साइन इन्वर्स करेंगे ना मतलब डेल एम डेस भी बाहर ये बस फॉर्मेट मत ले डाटा इज अगर गिवन दे ही नहीं साइन का वैल्यू गिवन दे ही नहीं साइन का वैल्यू दे गिवन दे जितना ताले रिजल्ट पर परफेक्ट पड़ा था था मैं डायरेक्ट लिख ही दूँ वैल्यू मार सब देते के साथ से तो मानो साइन साइन डेल एम का वैल्यू पड़ा से ये डाटा इनके जीवन दे ही नहीं डाटा तो मन को ही नहीं प्रोवाइड कर रहे तो बार बार कहूँ जी बट बस खाली फॉर्मेट टा जानो अननोन क्वांटिटी रो डाटा गिवन थी पा बट जिन सा कितनी बाहर करा ला रिजल्ट टा ताकि तुम्हें बहुत से बुझी जाओ सिंपल अच्छे डाटा लेके चिंता करो नहीं तो टॉपिक के जी मां टॉपिक टा थिला कहाँ जे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट तुम रेड और वायलेट कलर रो डेविएशन दा केंती के एक्सट्रीम डेविएशन होचे और के मिनिमम डेविएशन होचे ताकु नहीं की ना तो हो जी केंती हमें जन पढ़ना म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू बाय साइन ए बाय टू हम पहुंचे तो तुम्हें थीम प्रिजिम नहीं जी बहुत जहर की एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज वेरी वेरी स्मॉल से केस रे हमें साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा देख ही नहीं पाना ओनली से कंडीशन में ही होगा ना म्यू इज इक्वल टू यदि साइन थीटा इक्वल टू थीटा ना ना साइन थीटा इक्वल टू थीटा ना मान ए प्लस डेल एम बाय टू बाय साइन ए बाय टू जगह साइन थीटा इक्वल टू थीटा ना मान ए बाय टू इथ्रु कैलकुलेट करके मोर डेल एम रो वैल्यू आसी जिवा म्यू माइनस 1 इनटू ए तो इने देखी बोलते हो डेल एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ थिन प्रिज्म राइट तो ई फार्मूला के ऑब्जर्व करो नेक्स्ट गुडे कची रिलेशन जेंदा को हाई दिला सेला ना दिला जे तमोर refractive index of some material is inversely proportional to wavelength of wavelength square of the light तो mu जो थी wavelength सोई तो inversely proportional भला ताले इने दरो mu is directly proportional to del हो जे mu is directly proportional to del m that means del m is also inversely proportional to wavelength वेवलेंथ स्क्वायर में या वेवलेंथ सेम टू वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट राइट तो जहां वेवलेंथ ग्रेटर वहां डेविएशन का होगा मिनिमम एंड जहां वेवलेंथ लीस्ट अच्छे तहां भी डेविएशन का कहां जो ग्रेटर अमाउंट हो जो ये लॉजिक को ही से अगर अप्लाई करा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को बाहर करा है जे तो ई जगह रे मने रखो लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू और वायलेट ने पड़ा सो डेल रेड इज लेस देन डेल ब्लू और वायलेट ने पड़ा हियर ई लॉजिक लगे ही इन्हें देखो व्हाइट लाइट ट्राई करो एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा नेक्स्ट रिफ्लेक्शन हला वाले को रेड कलर एंटी होगा भाव रेड कलर एंटी की बाहर की जीवा
violet color the refracted ray that in backward direction and red color the refracted ray that in backward direction and mid color. So point is the angle function and same angle the nahala angular dispersion. So the extreme color of light raw refracted angle the come na to chu angular dispersion object. Hello, next the material of prism dot dispersive power bahar karba lagi hele angular dispersion bahar karba lagi hele dekhi formula ache se formula dala ka lekho the theta is equal to del violet minus del r ye minus ho theta is equal to del violet minus del r deviation produced by violet light minus deviation produced by red color of light. Next dispersive power nahi hamara formula hala that is the ratio between angular dispersion to the deviation produced by the mean color of light. Mean color of light ko hai na hum yellow color of light ke na ho तो थीटा डिवाइडेड बाय डेल मिला हमें एंगुलर डिस्पर्शन अगेन एंगुलर डिस्पर्शन रो आउट भी फॉर्मूला छे तो मैं तोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेगी फॉर्मूला डाल लिखू छु ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड बाय म्यू माइनस 1 Here, mu is equal to mu blue plus mu r by 2. Or simply, mu is the refractive index of the material of the prism when yellow color of light is used. Either tomato ko yellow color of light ko incident karegi nahi ho, mu jaya bala tha ki main mean color of light pahunchu aur refractive index ko mu pahunchu. And this is for violet color, this is for red color. So it means mean bahar kuchh nahi bahar kuchh. So the extreme color ka refractive index ko add karke divided by 2 kar diya. Is jagah ye dono formula ko compare karo. Ye sab formula ko leke hame next numeric step karna. Jinti ki main out jinso tamman ko mane ko ke bolu je mu or angular dispersion that is independent of angle of prism. Dekhi parto independent of angle of prism. एंड एंगुलर डिस्पर्शन रो यूनिट हला चेक कर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तोड़ला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हला गोटे यूनिटलेस क्वांटिटी अगेन दिस इज आल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी व्हाइल एंगुलर डिस्पर्शन रो किसी यूनिट डायमेंशन पाइबो एंगुलर डिस्पर्शन जेतु डेल अंदर नोटेड करा छ डेल वी माइनस डेल आर नि आउछ दैट मींस समथिंग डिग्री और रेडियन ले कंसीडर करला बले एंगुलर डिस्पर्शन लगी ये भी गोटे डिग्री ये भी गोटे डिग्री कैंसल आउट है कि तुम रिजल्ट कहाँ पाओ तुम डाटा तुम यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन इज डायमेंशनलेस इटा को मन रख तो ये ओनली एंगुलर डिस्पर्शन पार्टा डिपेंड कर देख खाली म्यू है जेतु अच्छे म्यू रिनिंग तुम कैन मीडियम नहीं मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड angular dispersion is depending only on the nature of the material of the prism. Dekho mane rakho question number 1 array of a ground glass for violet and red color of light that is given 1.523 and 1.513 then calculate dispersive power of the glass data likhi do dijiye mu violet red color 1.523 and mu red will be 1.513 question number dispersive power lagi question pachhe dispersive power lagi tamman ko kahili je bahar karbo kana jete tole tumhe formula ta pas dekhi do mu bhabe by mu minus 1 and again kahi je mu is a refractive index
for the material of the prism for a yellow color of light or green color of light. Yellow na hoche dekho bahar karbo fast dekho kindi bahar karbo dute extreme color ra refractive index of material of prism ra mean nei je ek jump mean nei je ta mean nei je paibo no violet plus red by 2 substitute karo and result bahar karo main direct formula likhi do je answer is 1.518 check karo asla ga 5.18 hega na next mu pai gala ye dei je substitute kare ki omega ra result bahar karo omega ra result substitute karla pare paya so je 0.0113 since this is unitless tabu kinchi unit lekhwa dorkar nai सब्स्टिट्यूट करा इन क्वेश्चन रे ये तो सब सब्स्टिट्यूट करी रिजल्ट बाहर करा देखा रिजल्ट पाया साथ की सिंपल अच्छे न्यूमेरिक्स पार्ट ना ओनली गुड अ फॉर्मूला को ही यूज लिखे हो जी फॉर्मूला डा इजी अच्छे एंड इधर म्यू जो तू अननोन थी ना म्यू के निबार कर बा कोई दिले यदि क्वेश्चन भी दे देना म्यू दे ही नहीं एंड येलो कलर ऑफ लाइट को मेंशन करा है जे तले येलो कलर ऑफ लाइट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फैन दे दे जे तले इधर कर येलो कलर ऑफ लाइट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का को ने यूज कर बा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री गिवन refractive index of the metal of the prism for violet color of light that is 1.65 and for red color of light that is 1.55 so angle of prism jodi 5 degree de raha that means ki very small angle of prism small angle of prism la ke hum formula dialogue mu minus 1 into a next angular dispersion pachhi ki angular dispersion la ke theta no get kuch nahi theta is equal to del v माइनस डेल आर ये भी पढ़ी जब ये इन जनरल रूप का फॉर्मूला बट आगे तक लिखना है फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट एंड फॉर रेड कलर ऑफ लाइट तो डेल वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन इनटू ए एंड फॉर डेल आर म्यू आर माइनस वन इनटू ए कैलकुलेशन करके देखो रिजल्ट पाई जो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए सिंपली डाटा गिवन अच्छे सब्स्टिट्यूट करो 1.65 माइनस 1.55 इनटू 5 डिग्री एंड रिजल्ट बाहर करो करो जो पड़ा सब कितने मैं डायरेक्ट लिख के दूं जो आंसर था 0.5 डिग्री चार्टा फॉर्मूला तुमको कहला चार्टा फॉर्मूला चार्टा या पांचटा फॉर्मूला बेसी भी नहीं एतकी फॉर्मूला रे इजी इजी क्वेश्चन अछि किसीटा बते दिया वाला आ किसीटा तुम मन को क्वेश्चन शेयर करा जेबा ताको बस इफ लॉजिक अप्लाई करियो बस तुम माने न्यूमेरिक्स वाला सॉल्व करो आज लगे इतकी था नेक्स्ट क्लास में पढ़मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट था से पार्ट रो जहां भी किसी डाउट रही है ये से पार्ट रो थ्योरी हो न्यूमेरिक्स पार्ट पर सॉल्व करना थैंक यू